खबर रायसेन से है, जहां की अनाज मंडी में धान सहित अन्य अनाज बेचने के लिए किसान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में अनाज रखने की व्यवस्था नहीं है, जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, किसान बिना किसी व्यवस्था के अभाव में अपनी धान का उपज कल्ला व्यापारियों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। मेहनत ज़्यादा है साहब और पैसा कम है, ठीक है। गरीब आदमी पति निकल जाता है, बहुत काम करता है। महंगाई के दौर में परेशानी हो रही है। हाँ, महंगाई जोड़ कर बहुत परेशानी। कितना मिल रहा है अभी? अभी तो कम मिल रही है, 7-8 रुपये बोरा मिल रही है। जबकि कितना मिलना चाहिए? बोरा मिलना चाहिए कम से कम। क्या नाम लिखते हैं? मैं अपनी धान लेकर आया था तो 3365 रुपये बिकती है। जबकि यही धान हरियाणा जाके 4042 रुपये क्विंटल बिकती है। हम एक देश की बात करते हैं, हम एक जिला एक उत्पाद की बात हो रही है। एक जिला एक उत्पाद की बात होती है। जो भाव हरियाणा में है वो यहाँ भी होना चाहिए। वहाँ क्या रेट पे बिकती है? वहाँ 4042 रुपये।